Dear friends, today we are meditating on Proverbs 13:9. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नीति वचन अध्याय 13 वचन 9 पर मनन कर रहे हैं. Shall we see what it says? आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है. The light of the righteous shines brightly. धर्मी की ज्योति आनंद के साथ रहती है, यानी तेजो में रहती है. Yes, my friends, when we live a righteous life, जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, our light shines bright. तो हमारी जो ज्योति है वो तेजो में होती है, चमकती है. Many times I've personally seen, कई बार मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है, when a person lives a righteous life, जब कोई व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है, living their life according to God's word, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, living with integrity, ईमानदारी से जीता है, serving others, दूसरों की सेवा करता है, and living selflessly, और निस्वार्थ जीवन जीता है, not only is the person blessed, वो व्यक्ति ही केवल आशीष नहीं पाता, but their whole family is blessed, लेकिन उनका पूरा परिवार भी आशीष पाता है, and they shine brightly for the Lord, और वो प्रभु के लिए बहुत ही तेजोमय हो जाते हैं. In the same way, God will make you shine brightly. इसी तरह से परमेश्वर आपको बहुत ही तेजोमय करेंगे. Not just you, केवल आप ही को नहीं, but for your generation, लेकिन आपकी पीढ़ियों को भी. Jesus says in Revelation 22:12, यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12 में कहा है, that as he comes again, कि जैसे वो वापस आएंगे, he brings his reward with him, वो अपने साथ उन लोगों का प्रतिफल लेकर आएंगे, and he will give it to each person accordingly, और वो हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार देते जाएंगे. Yes, my friends, हाँ मेरे दोस्तों, be of good cheer, आप धाड़स बांधिए, and live a righteous life, और आप धार्मिकता का जीवन जिए, and the reward will not only come on to you, और ये प्रतिफल केवल आप ही पर नहीं आएगा, but for your generations as well, लेकिन ये आपकी पीढ़ियों पर भी आएगा. So live a righteous life and shine brightly, और इसलिए आप धार्मिकता का जीवन जिए और आप तेजोमय हो जाएं. God will definitely reward you for it. परमेश्वर इसके लिए आपको निश्चय ही आशीष देंगे. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Lord, I pray for everyone watching this program. प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को देख रहा है. Help each person to live a righteous life. हर एक व्यक्ति की मदद कीजिए कि वो धार्मिकता का जीवन जिए. Walking according to your word. आपके वचन के अनुसार चले. Being a selfless person, और वो निस्वार्थ व्यक्ति हो, serving everyone around them, और उनके आसपास के सभी लोगों की सेवा करें, and walking with integrity, और ईमानदारी से चलते जाएं. Yes, Lord, as they do that, हाँ प्रभु जी, जैसे ये इसे करेंगे, help them to shine brightly among the people around them. मदद कीजिए प्रभु की अपने आसपास के लोगों के बीच में बहुत ही तेजोमय हो जाए. In their school, in their family, इनके स्कूल में, इनके परिवार में, in their workplace, इनके दफ्तरों में, and in various parts in the nation, और यहाँ तक कि देशों के अलग अलग मार्गों में प्रभु, and let their generation be blessed, और इनकी पीढ़ी भी आशीष पाए प्रभु. Bless them today, Lord. आज इन्हें आशीष दीजिए प्रभु. And help them to shine bright. और इनकी मदद कीजिए कि तेजोमय रूप में चमके. Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ. Amen. Amen. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.